क्या ये इत्तला दुरुस्त है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो उनके वकील कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बेल एप्लीकेशन को साइन कर दें लेकिन वो साइन नहीं कर रहे? मैं इस चीज का खुद गवाह हूं मीर साहब के उनकी फैमिली ने, बिलावल साहब ने, उनकी साहबजादियों ने उनके ऊपर बहुत जोर डाला है कि वो बेल की एप्लीकेशन मेडिकल ग्राउंड्स पर मूव करें। उनके वकला ने इसके ऊपर बहुत जोर डाला है लेकिन वो अभी तक ऐसा करने से इनकारी हैं, गुरेजा हैं। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, हुकूमत जितना मेरे ऊपर जो हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है कर ले, अपना शौक पूरा कर ले, मैं इनके आगे नहीं झुकूंगा। लेकिन आप ये नहीं समझते कि इससे उनकी अपनी जो सेहत है उसके लिए मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं और उनको कम अज़ कम मेडिकल ग्राउंड्स पर अपनी बेल एप्लीकेशन तो मूव करनी चाहिए? अगर आप देखें कि बहुत से पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, हाल ही में उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल एप्लीकेशंस मूव किए हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो आसिफ जरदारी साहब क्यों रिलक्टेंट हैं? देखिए, वो रिलक्टेंट इसलिए हैं कि वो 11.5 साल पहले भी कैद काट चुके हैं। उनका ख्याल है कि ये हुकूमत अगर उनके एहसाब को तोड़ना चाहती है तो वो उनको नहीं तोड़ सकती, और दूसरा वो ये भी समझते हैं कि जो अगर उनकी एज प्रिजनर जो राइट है, पाकिस्तान के शहरी के जो राइट है, वो उनको मिलना चाहिए, खा वो जेल के अंदर हो, खा वो जेल के बाहर हो। और जेल के अंदर भी जो उनके राइट्स हैं वो भी उनको डिनाई किए जा रहे हैं। तो ये हम कोई फेवर नहीं मांग रहे, बेल वो लेना नहीं चाहते, लेकिन जो इलाज की उन्होंने जो दरखास्त कर रखी है, जो उनका हक है, वो उनको जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताया गया था मुस्तफा नवाज कोकर साहब के जो वजीर दाखिला हैं एजाज शाह साहब, उन्होंने अपने तौर पर यह कहा है कि आसिफ जरदारी साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब है तो कम अज़ कम उन्हें कराची शिफ्ट कर दिया जाए, तो क्या आने वाले दिनों में उनके कराची शिफ्ट होने का कोई इम्कान है? देखिए, हम तो इस चीज से मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं है कि वजीर दाखिला ने, हमने ये बात सुनी जरूर है, लेकिन ये फैसला जो हुकूमत मीर साहब उनको जेल के अंदर मौजूद जो उनका हक है, जो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे रही, जो डॉक्टर्स तक एक्सेस नहीं दे रही, उनके प्राइवेट डॉक्टर्स तक एक्सेस नहीं दे रही, हम उससे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो उन्हें कराची शिफ्ट करेंगे? तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। अगर गवर्नमेंट वाकई सीरियस होती तो वो कम अज कम उन डॉक्टर्स तक उनको रसाई दे देती जिनकी अशद जरूरत है कि वो फौरन उनकी तशखीस कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मुस्तफा नवाज कोकर साहब हमारे साथ बात कर रहे हैं। दो अहम बातें बताई हैं। पहली बात उन्होंने ये बताई है कि आसिफ जरदारी साहब का जो दिल है उसके उनके दिल में एक क्लॉट बन चुका है जिसकी वजह से उनकी सेहत को बहुत से खतरात लाहक हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई है, उन्होंने कहा है कि मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ कि आसिफ जरदारी साहब की फैमिली ने कोशिश की कि वो मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल एप्लीकेशन मूव करें और उस पर दस्तखत कर दें लेकिन उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। तो ये एक बहुत अहम सूरत हाल है। और एक तरफ पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे नवाज शरीफ साहब, उनकी भी सेहत ख़राब है, वो लाहौर में ज़ेरे इलाज हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब, वो इस्लामाबाद में ज़ेरे इलाज हैं। आसिफ जरदारी साहब का ताल्लुक सिंध से है लेकिन उनके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में चलाया जा रहा है और उनको इस्लामाबाद ही में ज़ेरे इलाज रखा गया है नैब की हिरासत में। तो ये सूरत हाल है आपके सामने। और तीसरी तरफ आप जानते हैं कि मौलाना फजल-उर-रहमान साहब का आज़ादी मार्च भी अभी तक जारी और सारी है। शेख रशीद साहब ने कहा कि 1-2 दिन में मसला हल हो जाएगा लेकिन 1-2 दिन में तो ये मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आता।